प्रस्तुत है सुशासन दिवस पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और पत्रकार विनय कुमार। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 94वीं जन्म दिवस मना रहा है और इसे गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जा रहा है। आज ही अटल जी की समाधि को सदैव अटल का नाम देकर देश को समर्पित भी किया गया। प्रधानमंत्री आज असम में हैं और उन्होंने असम और अरुणाचल को जोड़ने वाले सबसे लंबे रेल और रोड पुल का उद्घाटन भी किया इस अवसर पर। और आज के दिन सरकार इसे मनाती है गुड गवर्नेंस दिवस के रूप में, जबकि ये सुशासन और सुराज का नारा जिस तरह से अटल जी के टाइम पर दिया था ये नारा, देश अटल बिहारी वाजपेयी को आज श्रद्धांजलि दे रहा है। और आम तौर पर एक धारणा है अटल जी को जब लोग याद करते हैं कि वो बहुत ही ओजस्वी वक्ता थे, बहुत संवेदनशील हृदय वाले कवि थे और प्रभावी एक सांसद थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली तो एक प्रश्न उनके सामने था कि उनके जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाए। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए और आज की पीढ़ी के लिए भी अगर अटल जी से कोई उनके आदर्शों का अनुकरण करने के लिए कुछ सीख लेनी है तो उनके 6 साल के शासन को प्रधानमंत्री मोदी ने चुना और ये कहा कि वो जो 6 साल अटल जी ने देश पर प्रधानमंत्री के नौते काम किया, उस समय जिस प्रकार से शासन चला उसको उन्होंने कहा कि वो एक सुशासन का काल था और इसीलिए उनके जन्मदिन को सुशासन दिवस के नाम पर मनाया जाए ताकि उनकी सरकार और आने वाले भी जितने भी सरकारें हैं वो इस तरह से सुशासन पर जोर दें, ना कि और किसी तरह की राजनीति पर दें। तो इसलिए वो दिन को मनाया गया। लेकिन और वो केवल नारा ना बन के रह जाए सुशासन दिवस, तो सुशासन दिवस के लिए कुछ पैरामीटर्स भी सरकार ने तय किए कि सुशासन का अर्थ है कि एक पारदर्शी सरकार हो और एक जवाबदेही। जवाबदेही के बिना सरकारी काम में या सरकार के जितने भी योजनाएं हैं वो सफल नहीं हो सकती। तो सबसे पहली बात कही गई कि सुशासन का अर्थ है कि उसमें पारदर्शिता हो और उसमें जवाबदेही हो और जो सरकारी कामकाज है उसमें एक निपुणता लाई जाए, उसको इफेक्टिव भी बनाया जाए, ताकि ये नहीं हो जैसा कि आम तौर पर धारणा है कि सरकारी कर्मचारी काम ही नहीं करते हैं। तो इस तरह से जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको शपथ भी दिलाई गई और उसमें ये कहा गया कि आपको अपने जिम्मेदारी के प्रति सजग भी रहना है और उसके साथ आपको अपनी प्रतिबद्धता भी दिखानी है। इसके साथ साथ एक ये कोशिश भी इसमें रखी गई कि नागरिक जो हैं उनको भी सरकार के कामकाज करने के जो तरीका है उसमें उनको भागीदारी दी जाए और तभी ये गुड गवर्नेंस होगी। देखिए इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कदम मोदी सरकार ने उठाया था, सेल्फ अटेस्टेशन। पहले आप कोई भी डॉक्यूमेंट है, कागज है, उसको सत्यापन करने के लिए आप एक गजेटेड ऑफिसर की तरफ भागते थे। उन्होंने कहा नहीं, हर व्यक्ति खुद जिम्मेदार है और वो अपने कागजों को खुद अटेस्ट कर सकता है। ये नागरिकों को भी एक भागीदारी का एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात सुशासन दिवस में भी है कि अटल जी की सरकार के समय जो भी कार्यक्रम लिए गए उन कार्यक्रमों को और आगे बढ़ाना है और इसका भी संकल्प जो है इसमें लिया गया। और उसमें सबसे बड़ा जो एक कार्यक्रम था वो था स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, यानी देश के दक्षिण को उत्तर से, पूर्व को पश्चिम से सड़कों के जाल के साथ जोड़ा जाए ताकि देश का विकास सड़कों के निर्माण से हो, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। आर्थिक क्षेत्र में भी जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं चलाई तो उनको आगे बढ़ाकर और पूरा करते हुए ये संकल्प भी मोदी सरकार ने लिया, अपनी गुड गवर्नेंस को अपनाया। और हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में चाहे वो रेल हो, रोड हो, चाहे हवाई जहाज के रास्ते हो, एयरपोर्ट हो, जल मार्गों को, नदी को जोड़ना, ये सारे वो इनिशिएटिव हैं जो अटल जी की सरकार के समय हुए। लेकिन कई ऐसे भी कार्यक्रम हैं जो अभी मोदी सरकार ने भी चलाए, लेकिन उसमें एक बात का ध्यान रखा कि ये कार्यक्रम जो है ये बिना सुशासन के और जनता की भागीदारी के नहीं हो सकते। विदेश मंत्रालय में देखा गया है कि सुषमा स्वराज एक ट्वीट के ऊपर भी समस्याओं का समाधान, रेलवे में भी आज इतना बड़ा रेल का हमारा नेटवर्क है भारत का और उसमें भी लोगों की जो शिकायतें हैं
वो दर्ज करने का एक सिस्टम बना है। मैं समझता हूँ लोगों की अगर शिकायत सुनी जाती है आधी समस्या का हल तो वहीं हो जाता है, फिर उसमें समाधान अगर हो जाए तो नागरिक को संतोष होता है। क्योंकि हुआ क्या है, पिछले कई सालों में लोगों का विश्वास शासन तंत्र से उठा है और इसी कड़ी में भ्रष्टाचार देश में व्याप्त था, उस पर भी लगाम लग गया। आइए सुने इस विषय में स्वयं अटल जी ने क्या कहा है। विकास में लगने वाला पैसा विकास में नहीं लगता, क्योंकि देश में ईमानदारी की कमी हो गई। पिछले चुनाव में एक मुद्दा था भ्रष्टाचार का, मगर हम इस बात का संकल्प लेकर आए हैं कि हम राष्ट्र जीवन में से भ्रष्टाचार का निर्मूलन करने के बाद ही दम लेंगे, और इसका हमने प्रारंभ किया है। नेता निष्कलंक होना चाहिए, बेदाग होना चाहिए, लोगों के प्रति उत्तरदायित्व जवाबदेही, ये भाव होना चाहिए कि हम ट्रस्टी हैं, हमें थोड़े समय के लिए सेवा करने का मौका दिया गया है और हम इस मौके का लाभ उठाकर धन नहीं कमाएंगे, तिजोरी नहीं भरेंगे, विदेशी बैंक में पैसा जमा नहीं करेंगे, जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा हम इस देश के निर्माण में लगाएंगे, इस देश के विकास में लगाएंगे। टंडन जी, प्रशासन को जनता के पास ले जाने का भी एक इनिशिएटिव मोदी सरकार ने उठाया कि फ्लैगशिप प्रोग्राम बना देना तो आसान है, जनता की भागीदारी और साथ साथ प्रशासन भी जनता के पास जाए जिससे कि ये ग्राउंड पर बिल्कुल प्रशासन जब तक जवाबदेह नहीं होगा और उसमें उसकी पारदर्शिता नहीं होगी, लोगों का विश्वास नहीं जमता है प्रशासन में। आज भी कर्मचारियों के प्रति जो लोगों में ये स्वभाव है कि हमारा काम होगा कि नहीं, तो उसके लिए जिस तरह से सोशल मीडिया का प्रधानमंत्री ने पोर्टल चलाए और उनको लोग सीधा लिख सकते हैं, इस तरह के जितने भी सोशल मीडिया के एप्स हैं उनके थ्रू जनता के साथ सीधा उनका संवाद हो, और जहां कहीं लोगों को कोई शिकायत है तो वो शिकायत सीधी प्रधानमंत्री को भी की जा सके, तो जागरूकता तो तंत्र में आई है। जवाबदेही का पुट है वो इसमें रखा गया है, जैसे जनधन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आयुष्मान भारत, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, स्किल इंडिया, फसल बीमा योजना, मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना, उज्ज्वला योजना, इतनी अनेक योजनाएं चलाई। नागरिकों को सुशासन या शासन तंत्र के नजदीक लाना, ये एक नया प्रयास जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, जिसके चलते लोगों की शिकायत सुनी जाती है, उस पर अमल होता है। और अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे प्रधानमंत्री ने आज भी असम में वो पुल का उद्घाटन करते हुए कहा कि 12 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ये सरकार लेकर चली है और उसको विश्वास है कि ये समय पर पूरे होंगे, लोगों को इसका लाभ मिलेगा और इससे नए आयाम भी जुड़ रहे हैं, जिसकी चर्चा उन्होंने विस्तार से आज भी की और कल जो उड़ीसा में भाषण दिया, 14,500 करोड़ रुपए के जितने प्रोजेक्ट उन्होंने उड़ीसा के लिए दिए। प्रधानमंत्री, अगर हम याद करें 2014 के चुनाव अभियान में कहते थे कि देश का पश्चिमी भाग तो विकासशील रहा है, विकसित हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा भारत का पूर्व और पूर्वोत्तर पिछड़ा हुआ दिखाई देता है, तो ये भारत का समुचित विकास नहीं होगा अगर कुछ प्रदेश पिछड़े रहे। तो उसी कड़ी में कल उन्होंने उड़ीसा के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, माइनिंग के क्षेत्र में, नदी जोड़ परियोजना की बात की, हवाई अड्डे के बारे में भी कल उन्होंने कहा कि अब दिन और रात वहां से फ्लाइट चल सकेंगी और उसका दूसरे राज्यों के साथ संबंध जुड़ा। तो इस प्रकार जितने भी कार्यक्रम उन्होंने लिए हैं उसमें एक ही चीज को ध्यान में रखा गया है, वो है सुशासन, और सुशासन का अर्थ है कि पारदर्शिता वाला सरकार और जवाबदेही। जवाबदेही एक ऐसी चीज है, अगर सचमुच में प्रशासन जवाबदेह है और उसमें जितनी भी तंत्र है वो जवाबदेह है, तो जनता की भागीदारी अपने आप जुड़ती है। ये आशा करते हैं हम कि सुशासन के जितने भी इकाइयां हैं वो सब साथ मिलकर काम करेंगी, जिससे जनता को सरकार के सारे कार्यक्रमों का पूरा पूरा फायदा मिल सके। टंडन साहब, आप आए स्टूडियो में, चर्चा में हिस्सा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद।